खरगोन जिले में कोरोना काल के चलते अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सड़कों पर उतरा और धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तौर पर आमजन की बुरी तरह से कमर टूट चुकी है। ऐसे में वाहनों के पहिए थमने से वाहन मालिक और चालकों को अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता सताने लगी है। इसी के चलते खरगोन जिले के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल करके मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान संघ के आरिफ खान ने बताया कि सरकार द्वारा किए गए वादे के मुताबिक हमने टैक्स और अन्य चीज़ों में छूट की जा रही है और जान जख्म में डालकर हम जान सेवा कर रहे हैं। वहीं मीडिया से रूबरू हुए संघ ने यह भी बताया कि मांग पूरी न होने की दशा में राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। तरीके का विरोध है जिसको लेकर आपको यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जब कोरोना के अंदर मोटर वाला जो मोटर इंडस्ट्री है ये बहुत बुरी तरह से टूट गई है। इससे पहले गवर्नमेंट से हमारे जो बड़े लेवल में जो बात हुई थी उसमें बोला था कि टैक्स के जो 3 महीने का है जो कोरोना के कारण गाड़ियां खड़ी रही है उसको माफ़ कर देंगे। बाकी माफ़ करना तो दूर की बात है, टैक्स के ऊपर पेनल्टी ले रहा है, बॉर्डर के ऊपर भ्रष्टाचार बढ़ गया, 3,000 किसी गाड़ी से 5,000 किसी से 2,000 रुपये ले रहा है। इसलिए की जा रही है कि कोरोना के अंदर हर व्यक्ति फाइट कर रहा है, डॉक्टर वगैरह फाइट कर रहा है, वकील फाइट कर रहा है, हम भी फाइट कर रहे हैं। हम लोगों का भी उद्देश्य था कि कोरोना के अंदर आपूर्ति में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो, हर व्यक्ति के तक खाने की सामग्री पहुँचे। हमारे ड्राइवर जो है रात दिन मशक्कत कर रहा है। बाकी ड्राइवरों को कोविड के अंदर कोई छूट नहीं मिली। अगर ड्राइवर मरता है तो उसका परिवार का क्या है, कुछ भी नहीं मिलना उसको। एक्सीडेंट अगर होता है तो उसको पैसा मिलना है, और अगर बीमारी से मरता है तो कुछ भी नहीं होना। सवाल ये है, 4-5 मांगे हैं, 5 मुख्य मांगों को लेकर हम लोग 3 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट नहीं रखती है तो ये राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितकालीन होगी। क्या नाम लिखा? आरिफ खान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।